टुडेज करंट अफेयर्स डिकोडेड सेशन, माई सेल्फ शिवाजी काळे विशेष यू वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 21 जुलाई की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। यहाँ पे आप देखना, एक मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड एज पैसेज एक्सरसाइज और पैसेक्स हैज बीन रिसेंटली कंडक्टेड विद द US नेवी। तो अभी अगर आप देखोगे तो USS निमिट्स नाम की एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, USA की लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। इट वॉज पासिंग थ्रू द और इट वॉज कमिंग फ्रॉम द साउथ चाइना सी टू द दिस रीजन ऑफ इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल वाला। सो इट हैज़ पास थ्रू द मलक्का स्ट्रेट और उस पर्टिकुलर ईयर में अंडमान निकोबार के यहाँ पे इंडियन नेवी हैज़ रिसीव्ड देम एंड वाइल पासिंग ऑन दे आर कंडक्टिंग दिस इंटरऑपरेबिलिटी ऑपरेशंस। तो रिसेंट अगर आप देखोगे तो COVID-19 की सिचुएशन के वजह से बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस, नेवल एक्सरसाइजेस हैज नॉट बीन पोस्टपोन्डेड। तो दिस वन इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू गेट अ एक्सपीरियंस विथ। सिमिलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड विद द जापानीज एंड फ्रेंच नेवीज इन द रिसेंट टाइम। तो ये वाला न्यूज़ हिंदू ने एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों ने कवर किया है। ये हिंदू वाला न्यूज़ था, ये इंडियन एक्सप्रेस वाला न्यूज़ था एंड दैट इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। UPSC हैज अर्लियर ऑल्सो आस्क अबाउट द मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो ये थोड़ा सा हम लोग देख के रखेंगे। आगे जाते हैं। नाउ दिस इज द न्यू थिंग दैट इज हैपनिंग, अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज गोइंग टू कम इन द न्यू दिल्ली रीजन, क्योंकि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है इट्स वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर एंड इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग द रिसेंट रिक्वायरमेंट्स। 1921 में बना था व्हेन इट वॉज ओनली एन इम्परेटिव लेजिस्लेचर काउंसिल हुआ करता था इंडिया में। उसकी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब ब्रिटिश टाइम की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उस पर्टिकुलर दौर रिस्पेक्ट से उसको बनाया गया था। बट राइट नाउ इट इज़ नॉट एकोमोडेटिंग लॉट ऑफ चेंजेस और स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ सिविल एक्सपर्ट्स। तो उन्होंने बोला है कि नई बिल्डिंग बनाएंगे, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके रिलेटेड आर्टिकल्स अभी तक आई है न्यूज़पेपर में अलग अलग डायमेंशन से। तो इसका आप पार्लियामेंट के रिलेटेड आप उसका आर्ट की टेक्चर का पार्ट थोड़ा सा करके रखना कि कौन से टाइप का आर्किटेक्चर है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपको होमवर्क बताया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे आज इन्होंने ये बताया कि नई जो बिल्डिंग बनेगी इट विल बी बिगर इन साइज बिकॉज इट हैज़ टू एकोमोडेट इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इन द फ्यूचर। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो 1972 के सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन हुआ था उसके अकॉर्डिंगली 545 सीट्स वहाँ पे रखी गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंसी रखी गई थी लोकसभा की एंड राज्यसभा की भी सेम ही रखी गई थी टिल 2026, वो फिक्स किया है, फ्रीज किया गया था। लेकिन देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट 2026 के बाद अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस जो भी होगा उस टाइम का, सीट्स में इंक्रीज एंड इट में इंक्रीज टू अबाउट 1200 प्लस सीट्स इन टोटल लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अगर उनका ज्वाइंट सेशन भी लेना होगा तो यहाँ पे जगह नहीं है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में, 400 से ज़्यादा लोकसभा के राज्यसभा के मेंबर्स बनेंगे उसमें, 800 से ज़्यादा लोकसभा के मेंबर्स होने की शक्यता है। तो इस पर्टिकुलर केस में नई बिल्डिंग बनाने का वो बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ वॉट वी नीड टू नो अबाउट। ये पॉलिटिक एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, किस सेंसस के दौरान ये बंद किया गया है एक्सेट्रा, थोड़ा सा आप देख लेना। आगे जाते हैं। सो न्यूज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो अ न्यू मिशन कॉल्ड एज मिशन होप और जिसको अमल बोला जा रहा है इन अरेबिक बिकॉज दिस इज अ मिशन रिलेटेड टू UAE यूनाइटेड अरब अमीराती। तो दिस इज़ द फर्स्ट मिशन फ्रॉम एनी अरब कंट्रीज टू गो इंटरप्लेनेटरी। कहाँ पे जा रहा है भैया? ये मार्स जाएगा ये प्रोब एंड मार्स पे जाके 1 Martian year मतलब अबाउट 687 days ये उसके बाजू में घूमेगा एंड दिस इज वॉट दे हैव प्लान बिकॉज UAE इज कम्प्लीटिंग इट्स 50 years पीरियड ऑफ टाइम वेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिरेट्स कम टूगेदर टू बिकम एन UAE, एक साथ आ गए एंड दे बिकम UAE। तो दिस पर्टिकुलर न्यूज़ हैज़ बीन कवर्ड बाय हिंदू इन दिस सेंस। इंडियन एक्सप्रेस में थोड़ा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा ये बोल रहे हैं बिकॉज अदर मिशंस आर आल्सो गोइंग टू बी देयर। कौन से? चाइना इज गोइंग टू कंडक्ट सिट ताइवान 1 mission एंड USA इज गोइंग टू कंडक्ट सिस कंटिन्यूएशन ऑफ द मार्स मिशन इन परसिवरेंस
मिशंस, बट ये मिशन में यूएसए में दे आर प्लानिंग टू गो फॉर लैंडर्स, लैंड करेंगे मार्स के ऊपर। ये वाला जो मिशन है यूए का, उसमें लैंडर नहीं है, इट इज जस्ट एन ऑर्बिटर। ठीक है, तो ये हमारे लिए पता होना चाहिए। तो हम लोग हमारा भी मिशन का रिविजन करेंगे, मॉम मार्स का मिशन, इंडिया का मंगलयान जिसको आप बोलते हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करके जाएंगे। आगे जाते हैं। नाउ दिस इज अ बिगर आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर ऑफ टुडे इज दैट इज टॉकिंग अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज एंड इट्स क्रिटिकल एनालिसिस इज बीइंग डिस्कस्ड। तो अगर आप देखोगे तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज हैज बीन एनविशेस। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि कैसे अभी तक जो टेक्नोलॉजी है वो 20 ईयर्स ओल्ड है, पर्टिकुलरली रैक मैन्युफैक्चरिंग का। तो उसमें अगर आप प्राइवेटाइजेशन को लाओगे तो प्राइवेट प्लेयर्स मे गेट इनटू जॉइंट वेंचर विद सम फॉरेन कंपनीज एंड जॉइंट डेवलप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं एक्सेट्रा। मेंटेनेंस रिड्यूस करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली इट विल बी अंडर द प्राइवेट सेक्टर। ट्रांजिट टाइम स्पीड बढ़ाएंगे, जॉब क्रिएट करेंगे, ऑब्वियसली नई नई रेलवे रूट्स खुलेंगे, नई नई सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, तो ऑब्वियसली ये सारा होगा। वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस वो तो होगा बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन में कॉम्पिटिशन इज द बिगेस्ट फैक्टर, वेयर सर्विस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट इशू एंड डिमांड सप्लाई डेफिसिट। तो पर्टिकुलरली इन द पैसेंजर सेक्टर हम लोगों को देखा जाता है कि मोर डिमांड इज देयर देन द सप्लाई ऑफ अवेलेबल सीट्स फॉर द रेलवे, तो ये भी थोड़ा सा कैटर करेंगे। दीज आर द ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दैट हैज टू बी फुलफिल्ड when they are talking about privatization of some railway routes and services in the Indian Railways. तो ये एक्चुअली होगा क्या, इसके बारे में अलग अलग तरीके से उन्होंने बात किया है। तो इसमें केस स्टडी देते हैं जहाँ पे उन्होंने बोला है कि यूनाइटेड किंगडम एंड जापान हैज प्राइवेटाइज, दिस इज अ पॉजिटिव केस स्टडी वी कैन से बिकॉज दीज टू कंट्रीज आर हैविंग वेरी गुड रेलवे सिस्टम्स, बट दे आर ऑल्सो सेइंग दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डिड नॉट डू इट एंड दीज कंट्रीज डू हैव डन इट कम्प्लीटली, मतलब पार्शियल नहीं किया है। तो पार्शल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो फॉर एग्जांपल दीज ट्रेन्स दैट इज 151 ट्रेन्स एंड 109 रूट्स दैट दे आर प्लानिंग टू प्राइवेटाइज, दे विल बी मैंड बाय द इंडियन रेलवेज पर्सनल ओनली, बट देयर कॉस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द प्राइवेट प्लेयर बिकॉज दे आर द वन हु आर गोइंग टू चार्ज फॉर द टिकट्स। और उसमें चार्जिंग में भी कैसे करेंगे, तो पर्टिकुलरली दे विल हैव अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जहाँ पे दे विल डिसाइड द प्राइस, प्राइवेट सेक्टर दे कैन डिसाइड वॉट एवर प्राइस दे वॉन्ट टू एंड सम फिक्स चार्ज दे विल गिव इट टू इंडियन रेलवेज। द पर्पज ऑफ इट विल बी बिकॉज दे आर यूजिंग द एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, जो भी इंजन यूज कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसका ट्रैक यूज कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन यूज कर रहे हैं, वेन एवर देर इज अ पॉसिबिलिटी वो उनका मेंटेनेंस यार्ड भी यूज कर रहे हैं, तो उसका चार्जेस वो इंडियन रेलवेज को दे देंगे, बाकी का प्रॉफिट अपने को रखेंगे। बट इससे एक प्रॉब्लम हो जाएगा, एक तो इंडियन रेलवेज के खुद की भी ट्रेन्स होंगी और रैक्स होंगे, इंजन्स होंगे, और ये प्राइवेट के होंगे तो उसमें थोड़ा सा शेड्यूल की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी चीज़ मेंटेनेंस का, अगर इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स इंसिडेंसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बेयर करेगा, तो इन्वेस्टिगेशन में किसके ऊपर रखा जाएगा वो चार्ज, दैट विल बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक इशू इन द फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें निगेटिव एंगल से या कंसर्न साइड से बताई जाती है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है अबाउट प्रोवाइडिंग फास्टर डिलीवरी, मतलब जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया है कि रिड्यूसिंग द ट्रांजिट टाइम। तो उसके लिए 160 किलोमीटर का उन्होंने मैक्सिमम स्पीड अचीव करने का टारगेट रखा है, बट इट विल बी डिफिकल्ट बिकॉज इट विल नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द इंजिन और द रैक्स टू गो विद दैट पर्टिकुलर स्पीड। उसमें बहुत सारी चीज़ें लगेगी, जैसे आपको ट्रैक को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, कर्व्स एलिमिनेट करने पड़ेंगे, लेवल क्रॉसिंग डालने पड़ेंगे, ब्रिजेस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे आपको ट्रैक फेंसिंग करना पड़ेगा। सो दिस ऑल लाइज विद द इंडियन रेलवे सिस्टम, ये प्राइवेट सेक्टर के अंडर नहीं आता है। तो ये जब तक इंडियन रेलवे नहीं करेगा तब तक वो अपना स्पीड नहीं बढ़ा सकते। बट द पॉइंट इज दैट ऑल दीज थिंग्स आर इवन अंडर कंसिडरेशन। वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी नीड टू नो अबाउट इज प्राइवेट सेक्टर इज गोइंग टू ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट। सो अबाउट 30,000 करोड़ रुपीज, दैट इज वॉट दे हैव एनविसेज कि भैया इतना पैसा प्राइवेट सेक्टर लाएगा अगर इंडियन रेलवेज को आप कुछ रूट्स को प्राइवेटाइज करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस मनी, बिकॉज अगर आपको जो है ना काकोडकर कमेटी ने कुछ सालों पहले ही बोला कि 1 लाख करोड़ रुपीज लगेगा जस्ट टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी वाइज,
ऑलरेडी तो पैसा है नहीं ना इंडियन रेलवे के पास, दैट इज वाई लॉट ऑफ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स, लॉट ऑफ मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स हैड बीन हॉल्टेड, एंड हेंस इट इज दैट केस दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू अदर कंट्रीज फॉर डेवलपिंग न्यू टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि बुलेट ट्रेन के बारे में जो बोला जाता है, या हाई स्पीड ट्रेन जिसके बारे में हम लोगों ने जापान के साथ काम करना शुरू कर दिया, बिकॉज वी आर लैकिंग द फंडिंग, दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर देइंग, एंड दैट इज वॉट प्राइवेट सेक्टर इज गोइंग टू ब्रिंग, फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज कहने से अच्छा है द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट विल गिव द बेटर सर्विस, एंड दैट इज वॉट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे वाला सिस्टम, बट देर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स ऑल्सो दैट वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. इसको और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे बाय द टॉपिक नेम एज प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज, जो हमारा संडे का लेक्चर होता है उसमें. So we have a lecture on every Sunday at 10 AM. तो उस particular चीज़ के बारे में आपको हमारे previous lectures की videos में आपको इसके बारे में information मिलेगा, या मैं इसके description box में भी उसका information डाल दूंगा. ठीक है, आगे जाते हैं. तो ये community canteen के related एक article आया है, देखो. So this is a particularly talking about recent प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो आया, या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है जिसमें फूड डिलीवरी की, मतलब फूड ग्रेन्स डिलीवरी की बात की जाती है, देन इट कुड बी ए पीडीएस सिस्टम और अदर टाइप ऑफ सिस्टम्स. लेकिन यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन यहाँ पे भूल जा रहे हैं हम लोग, जिसमें अगर हम लोगों देखेंगे तो पर्टिकुलरली ये जो लोग हैं उनके पास खाना बनाने की सुविधा होने का चांस थोड़ा सा कम होता है. फॉर एग्जाम्पल एक्सेस टू द कुकिंग अरेंजमेंट, फ्यूएल एक्सेट्रा, ये होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है. हेंस अ गुड सजेशन हैज बीन गिवन हियर इज दैट कैंटीन्स. तो कैंटीन्स मतलब क्या? कम्युनिटी कैंटीन्स. एक्चुअली देखो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ये चला ही रहे हैं, तो उसमें आपको प्रिपेयर्ड कुक्ड फूड मिलेगा and that will be at a very cheaper rate. So some of the canteens are giving at 5 rupees or 10 rupees per plate. But the point is that they are saying here is that if we make a community canteen more self-sustainable, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा government के ऊपर depend करता है, इसलिए उनका delivery का थोड़ा सा problem होता है. तो उसको अगर हम लोग थोड़ा सा PPP model में या कुछ और उसमें involve कर दें, it may increase the plate cost, per plate cost अगर 15-20 रुपये भी बन जाएगा, that will be also affordable to lot of migrant people. So about 15 rupees, तो 45-50 rupees में 3 meals that particular person can enjoy. But the point here is that this will not only cater to the problems of the hungry people in urban area especially, जो जिनको हम लोग migrant workers बोलते हैं, but it will also create lot of job opportunities. Simultaneously it will create a demand for the एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स, क्योंकि इसमें सजेशन भी ऐसे दिया जा रहा है कि कैंटीन कैन डायरेक्टली प्रोक्योर फ्रॉम द फार्मर्स, मतलब अ ग्रुप ऑफ कैंटीन्स महाराष्ट्र में उन्होंने शुरू किया है. तमिलनाडु का अम्मा कैंटीन इज़ वेरी फेमस, कर्नाटका का इंदिरा कैंटीन इज़ वेरी फेमस. सो इन महाराष्ट्र ऑल्सो रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड विद अ शिव थाली, शिव भोजन एक्सेट्रा. तो दीज आर द स्कीम्स दैट कैन बी अ रिवोल्यूशनरी इन ब्रिंगिंग द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, एंड हेंस इन द फ्यूचर रिड्यूसिंग द हेल्थ बर्डन कॉस्ट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम बाय विच डूइंग इट, इट विल सिंपली रिड्यूस द एक्सपेंडिचर दैट गवर्नमेंट स्पेंड ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. तो पैसा भी बचेगा गवर्नमेंट का. सो दैट इज वॉट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल सेइंग, कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस टाइप ऑफ स्कीम, फूड सब्सिडरी स्कीम और फूड ट्रांसमिशन स्कीम, यू शुड फोकस अपॉन डायरेक्टली ऑन द प्रिपेयर्ड कुक्ड फूड थ्रू द अम्मा कैंटीन टाइप वाला मॉडल, या जिसको हम लोग कम्युनिटी कैंटीन भी बोल सकते हैं. तो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर. फॉर मोर अपडेट्स यू कैन कीप ऑन विजिटिंग अवर वेबसाइट्स एंड यूट्यूब चैनल. टिल द टाइम माई सेल्फ शिवाजी काळे टेक्स यूर लीव. थैंक यू. सब्सक्राइब टू शिवाजी काळे करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स.